दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हजारीबाग से गांव आ चुके थे तो इधर पानी पटाना था, तो अभी यहीं पे पानी पटा रहे हैं। देखिए, फीता उता भी यहाँ पे बिछावा हुआ है और मशीन जो है सो यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। वहीं जा रहे इसका तेल चेक करने के लिए, इसमें तेल कितना है। यहाँ पे अंदर जाकर देखिए तो खाड़ी में कुआं है, देख सकते हैं। इसमें 1 लीटर का लमसम तेल है। जा रहे तेल लाने के लिए, अचानक से घट जाएगा तो मशीन बंद हो जाएगा, तो उस स्थिति में मशीन को नुकसान हो सकता है, इसलिए जा रहे हैं। देखिए इधर खेत, इसमें जो देख रहे हैं सो इसमें गेहूँ लगा हुआ है। इधर सीम का लारूर है, सीम है, भिंडी है, सब मिर्च है। जा रहे अभी पेट्रोल लाने के लिए, जहाँ पे हम लोग का पानी चल रहा है, फीतल लेजे हैं वहीं पे रखे हैं आन के, इधर नहीं लाए थे तो वहीं जा रहे लेने के लिए। पूरा लहर लगा हुआ है इधर, पूरा दिख रहा है आप लोग को। इधर लहर, मौसरी, सरसों, ये सब काफ़ी अच्छा से होता है, गेहूँ काफ़ी अच्छा से होता है। अभी हम खेत के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं ये डब्बा जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें पेट्रोल आए थे, कल गए थे उधर 2 लीटर पेट्रोल आए थे इसमें। और यहाँ जो है सो देखिए, यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे पानी जा रहा है, इतना पार्ट चुका है, इतना बचा हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर कुछ कम लग रहा होगा आप लोगों के, क्या कि इसमें लगभग 13 किलो फीता लगा हुआ, देख सकते हैं मशीन वहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, वहीं पे लगा हुआ है। जूम करें यहाँ पे, शायद इसमें देखिए मिर्च और भिंडी लगा हुआ है। ये पानी कल पटाए थे, परसों पटाए थे हम लोग से इसमें। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये बिच्ची फूल है। ये जो पौधा आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग सब बिच्ची के फूल बोलते हैं, देख लीजिए इसमें फूल है। और इधर देख लीजिए ये जो पेड़ है, सब मुनगा का पेड़ है। और देखिए इसमें भिंडी है, मिर्च है, बैंगन वगैरह सब लगा हुआ है इसमें। चलिए अभी चलते हैं मशीन पास, उसमें तेल भी डालना है। आए हैं, चलेंगे इसको लेके। ये जो डब्बा जो देख रहे हैं आप लोग सब, ये दवा का डब्बा है। इसमें इससे मतलब टंकी में तेल डालते हैं तो इससे अच्छा रहता है, नीचे नहीं गिरता है, नहीं तो वैसे गिर जाता है। अभी इसको चलेंगे लेके मशीन के पास, देखते हैं वहाँ पे कितना खाली हुआ है तेल, उसके अनुसार डाल देंगे उसमें। इधर आए हुए 15-20 मिनट हो चुका है, देखिए जा रहे हैं तेल लेके उसमें मशीन में डालेंगे। यही लहर आप लोग को दिखा रहे थे, देख सकते हैं जो काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसमें पूरा लगा हुआ है। और उधर जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो भी लहर है, इस वर्ष काफ़ी कम लगा हुआ है, नहीं तो पिछले सीजन में काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। देखिए इसमें आलू का खेत, जो आलू इसमें रोपा गया है, हल्का थोड़ा बचा हुआ खेत जो बाद में रोपेगा। मशीन के पास आ चुके हैं, देखेंगे इसमें कितना तेल बचा हुआ है, इधर से डालना पड़ेगा, देख लेते हैं कितना तेल। इसमें तेल 0.5 लीटर के लमसम में है, अभी इसमें नहीं डालेंगे, जब ख़त्म होने के आखिरी पर रहेगा तभी डालेंगे। इसमें क्या कि पुराना जो तेल इसमें रखा हुआ था, जो 1 साल से मशीन बंद था, तो वही सोचे कि वही तेल यूज कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद नया से तेल डालेंगे। तो इधर हम भी इधर जो देख रहे हैं, इधर बहुत दिन के बाद भी आए हुए हैं, फिर घर आते हैं तो इधर जल्दी से नहीं आते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, जो सीन जो देख रहे हैं ये इस टाइप से पूरा, इसको हम लोग सब घोघरा बोलते हैं, देख सकते हैं जो सीन जो है
इसको घोघरा बोलते हैं, क्या कि देखिए ये ज़मीन ऊँच पर है, ये ज़मीन नीच पर है और उधर भी ऊँचे पर है। इसमें जैसे में क्या होता है कि बारिश के समय में यहीं से मतलब काफ़ी पानी जाता है, इसको घोघरे ही बोलते हैं। आप लोग से ऐसा नीचे ज़मीन को क्या बोलते हैं, ऐसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें चलिए आगे जो दिख रहा है आप लोग को, वो मेरा ही खेत है, चलिए वहाँ लेते जाते हैं आप लोग को। ये सब गोतिया भाई का खेत है, देख सकते हैं। और इसमें गहूँ तो नहीं लगाते हैं, क्या कि जो कुआं जो पटा रहे हैं सो दूसरा कुआं है, तो वो नहीं देगा, वो खुद अपना ही पटाएगा तो ये हमको देगा वो। देखिए ये लोग जो खेत है, ये वाला खेत जो लंबे से गैस हो, और ये खेत जो है सो मेरा ही खेत है। जो ये खेत के बगल में जो खेत है वो चचक खेत है, ये देख सकते हैं। यारो काफ़ी ख़राब हो गया क्योंकि इस वर्ष बारिश भी नहीं हो पाया, तो इसी कारण खेती भी नहीं हो पाया। इधर पूरा झाड़ उड़ लगा हुआ है, इससे भी पानी जाता है। उधर देख लीजिए गढ़ा टाइप से है, पूरा वहाँ से आया हुआ है और पूरा वहाँ तक गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी किन्हीं का कुआं है, जो बोले थे हम आलू लगाया है उन्हीं का कुआं है, देख सकते हैं। इधर झाड़ी कारण काफ़ी ख़राब दिख रहा है, लेकिन झाड़ी जब सब साफ हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे महुआ के गाछ है, जो देखिए यहाँ पे जो तार गया हुआ है, इसी प्रकार हम से तार लाते हैं काफ़ी दूर से ऊपर खूंटा में बांध के, ताकि किसी को करंट वरेंट ना लगे। जा रहे खेत देखने के लिए, उसमें जो अगले गनारे में जो सीधा किए थे पानी, तो वही काफ़ी हद तक भर गया होगा, तो वही जा रहे देखने के लिए। अगर वो भर गया होगा तो दूसरा हम सीधा कर देंगे, ताकि दूसरा किनारे पटेगा, नहीं तो फिर एक ही पटाएंगे तो पानी भी उतना नहीं है। अभी जाके चेक भी किए थे तो आधा से ज़्यादा पानी ख़त्म हो चुका है, तो जा रहे हैं वहीं पे। आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।